गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी, मधुवन वालों को मधुवन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। वो हद का ज्ञान सरोवर ईंटों वाला ही नहीं, जो अभी एडवांस में बड़े ज्ञानी बन रहे हैं उनको ज्ञान की बातें छोड़ देनी पड़ेंगी। ये सब झूठा, हम तो कहीं फंस गए थे, तो सब झूठा निकला। ऐसी क्यों का क्या सवाल, ड्रामा में क्यों थोड़ा ही होता है, माला में नंबर ऐसे ही ले लेंगे। अगर ये परीक्षा ना आए तो आपका माला में तो आपका आपका पहला नंबर आ जाए, बना रहेगा। ऐसी परीक्षा ना आए नंबर कैसे बनेंगे, पास कैसे होंगे। अगर परीक्षा ना आए तो परीक्षा का रिजल्ट कैसे निकलेगा, रिजल्ट निकलना है कि नहीं निकलना है। कौन 8 के दाने बनेंगे, कौन 108 के दाने बनेंगे, 108 की माला में आने वाले हैं, कौन ब्रह्मा की 1000 भुजाओं की माला में आने वाले हैं, कौन 16000 की लिस्ट में आने वाले हैं, 16000 में कौन सा नंबर है। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो 1,00,000-2,00,000 शालिग्राम बनाते हैं, उन 1,00,000-2,00,000 शालिग्रामों की लिस्ट में कौन आने वाले हैं, फिर 9,00,000 में कौन आने वाले हैं, फिर सतयुग में आने वाले 2 करोड़ हैं, उस लिस्ट में आने वाले कौन हैं, त्रेता में 10 करोड़ हैं, त्रेता के अंत में उस लिस्ट में भी कोई आने वाले होंगे कि नहीं, कलयुग के अंत में 500 करोड़ हैं। सब आत्माओं को अपने पार्ट का पता चलेगा कि नहीं चलेगा, है? नहीं चलेगा, चलेगा तो कैसे चलेगा, परीक्षा हुए बगैर। बाकी पढ़ाई कमजोर होती है वो परीक्षा से डरते हैं, जिन्होंने अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ी वो कहेंगे कल होती हो तो आज हो जाए।